एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का मर्डर हो जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए दो डिटेक्टिव ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। इस केस के पीछे के बहुत सारे राज खुले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द ब्लैक डैलिया ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बकी, ये हमें स्टोरी सुना रहा था। ये अपने फ्रेंड और कंपेटिटर ली ब्रेचर्ड के बारे में बताता है। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ बॉक्सिंग करते हैं। इन दोनों का पुलिस का जॉब भी था तो एक दूसरे के पार्टनर थे। ये अलग अलग केसेस पर काम करते थे। ली बहुत ही टफ और अग्रेसिव कैरेक्टर है और यही चीजें उसकी बॉक्सिंग में भी देख सकते हैं। ली की गर्लफ्रेंड जिसका नाम है के, इसे वो बकी से मिलवाता है। बकी और के में अट्रैक्शन हो गया था। इन दिनों बकी और ली की फाइट अरेंज करवाई गई है। एक आदमी बकी को इस फाइट में हारने के लिए बहुत सारे पैसे देने वाला था, पर बकी हमसे कहता है मैं फाइट पैसों के लिए हार जाऊं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। ली स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट था, उसे लग रहा था कि बकी पैसे ले लेगा और ये फाइट हार जाएगा। बकी जब ये नहीं करता तो फिर ली ने अग्रेसिव खेलना स्टार्ट किया। बकी को मारकर उसके दो दांत ही तोड़ दिए। थोड़े दिनों बाद बकी फिर से अपने जॉब पर आता है। ली ने उसे घर पर डिनर के लिए बुलाया। ये तीनों हैंग आउट करते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलने लग गए थे। बकी और के ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ली को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता। पुलिस स्टेशन में एक किलर के बारे में बात हो रही थी और यही केस बकी और ली ले लेते हैं। इस किलर का नाम था नैश। एक दिन इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ली और बकी ये एक स्ट्रीट पर गए। जिस पर वो नजर रख रहे थे उसने उन्हें देख लिया तो उस पर गोलियां चलाने लगता है। बकी को गोली लगने वाली थी पर ली ने उस आदमी को मारकर उसे बचा लिया। ये दोनों जब इसमें बिजी थे तभी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को मार दिया गया। उसकी बॉडी का बहुत बुरा हाल था और मुंह पर मार्क्स थे जोकर की तरह। ये इंस्टेंटली बहुत बड़ा केस बन जाता है। ली को यही केस चाहिए था। अब कुछ दिनों में एक क्रिमिनल जेल से बाहर निकलने वाला था। इसका नाम था बॉबी डेविट। ली ने बकी से कहा इसके बारे में केस से बात मत करना, पर बकी ने रात में केस से बात की, पूछा कि वो कौन है। के इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वो बॉबी डेविट से डरती है। बकी ने कहा मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। घर में आने के बाद उसने के बॉडी पर बॉबी डेविट की इनिशियल BD ये नोटिस की है। अब इसके बारे में वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। उसे पता चला कि एक्चुअल में के पहले बॉबी डेविट के लिए काम करती थी, वो उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाता था। एक दिन एक आदमी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और ली ने के को बचा लिया था। एक रॉबरी के इल्जाम में उसने बॉबी डेविट को जेल में डाल दिया। ये ली की करियर का बहुत ही बड़ा केस था। अभी अभी जिस एक्ट्रेस की डेथ हुई उस डेथ की केस में ली बहुत ही अपसेस्ड हो चुका था। इनके पास और एक किलर जिसका नाम है नैश, इसकी केस थी पर इस पर वो कोई भी काम नहीं करता। बकी उसे समझाने की कोशिश करता है पर ली उस एक्ट्रेस के केस से अपसेस्ड हो चुका था। ये बहुत ही बड़ा केस है तो इसके साथ आने वाली फेम ये बहुत ही बड़ी होगी। इसके बाद ये सब डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने कहा डेड बॉडी से सब कुछ ब्लड निकाल दिया गया था। इसकी डेथ किस वजह से हुई ये समझ में नहीं आता, शायद उसे मारने की वजह से या ब्लड निकालने की वजह से। ये लड़की आइडेंटिफाई हो चुकी थी, इसका नाम था एलिजाबेथ। बकी और ली फिर एलिजाबेथ के फादर को मिलने के लिए जाते हैं। फादर ने एलिजाबेथ को बहुत सारे मन से देखा नहीं था। बकी ने पूछा क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। फादर कहते हैं उसकी कमजोरी थी। हमेशा उसका बॉयफ्रेंड मिलिट्री में या पुलिस में ही होता रहता था। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, कोई भी उनके बारे में बता नहीं सकता। फादर से पूछा गया कि मर्डर हुआ तब वो कहाँ थे। वो उन्हीं के डाइनर में कंटिन्यू काम कर रहे थे। रात में बकी कैसे मिलने के लिए आया। के बहुत ही वरीड थी क्योंकि आजकल ली बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। इस केस की वजह से वो डिस्टर्ब्ड है और गोलियां लेना उसने स्टार्ट किया है। बकी कहता है मैं उसे समझाऊंगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे। आज रात के ने बकी से पूछा हम दोनों का क्या। बकी कन्फ्यूज हो गया, वो उनके फ्यूचर के बारे में बात कर रही थी। बकी भी के को पसंद करता था पर उसने कहा कि ली मेरा पार्टनर है, उसने मेरे लिए बहुत सारी चीजें की है। के ने कहा उसके मुझ पर भी एहसान है। बकी उसे मना कर देता है और वहां से चला गया। नेक्स्ट सीन में बकी एलिजाबेथ के फ्रेंड के पास आया। उससे क्वेश्चंस पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था, पर फ्रेंड बताती है कि वो हमेशा एक बार में हैंग आउट करती थी।
ये बार लेस्बियन बार था, इसका मतलब है एलिजाबेथ भी लेस्बियन थी। वहां की लेडी बारटेंडर के साथ बात करते हुए उसने उसे एक बार देखा था। उसने कहा कि एलिजाबेथ के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। किसी भी मूवी में रोल मिलने के लिए उन्हें नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है। बकी पूछता है क्या वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। उसकी फ्रेंड ने कहा कि मुझे पता नहीं, उसे एक दो मूवीज के ऑफर मिले थे। बकी ने फिर एलिजाबेथ के ऑडिशंस वगैरह मंगवाए। एलिजाबेथ को उतनी एक्टिंग आती नहीं थी पर वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इसके बाद बकी अलग अलग बार में जाकर वहाँ के बारटेंडर से बात करता है, पूछता है क्या तुम एलिजाबेथ को जानती हो। उसे फाइनली एक बारटेंडर मिल ही गई। वो बकी से कहती है मेरी और उसकी कोई भी रिलेशनशिप नहीं थी। इसी बार में बकी ने एलिजाबेथ की तरह दिखने वाली एक लड़की को देखा, उसका नाम था मैडलिन। उसका पीछा करता है पर यहाँ से वो चली गई थी। एक बार फिर से ली ने ड्रंक होकर घर में तमाशा कर दिया। के चाहती थी कि बकी उसे कुछ समझाए पर बकी कुछ भी नहीं बोलता। वो कैसे बात करता है, कहता है कि केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट सीन में बकी ने एलिजाबेथ की तरह दिखने वाली मैडलिन को ढूंढ लिया था। उसे पूछता है क्या तुम एलिजाबेथ को जानती थी। वो इसके लिए हाँ कहती है पर कुछ भी आंसर नहीं करना चाहती। जब मर्डर हुआ था तो वैकेशन पर थी। मैडलिन ने बकी से कहा कि एलिजाबेथ एक ड्रीमर थी, उसे लगता था कि हॉलीवुड में बहुत सक्सेसफुल होगी। वो इस केस से कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती क्योंकि उसके फादर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। मैडलिन ने कहा कि अगर तुम मेरा नाम किसी को भी नहीं बताते तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकती हूँ। कल उसने उसे घर से पिकअप करने के लिए कहा। बकी भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे जब वो मैडलिन को लेने के लिए आया तो मैडलिन कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम एक बॉक्सर हो। मैडलिन के फादर बकी के फैन हैं तो उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। घर में मैडलिन की मदर, उसकी सिस्टर और उसके फादर है। बकी को देखकर मैडलिन की मदर बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करती है। मैडलिन के फादर ने बकी से कहा यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन मैं ओन करता हूँ, अपनी लैंड वगैरह सेल कर ही वो इतने अमीर बने थे। मदर गुस्सा आती तो कहती है मेरे फादर की एक्चुअल में लैंड थी, इसने मुझसे शादी की और इसी वजह से अमीर बना। बकी को भी इंसल्ट कर वो यहाँ से चली गई। इसके बाद रात में मैडलिन और बकी ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मैडलिन ने बकी से कहा एक्चुअल में मेरे फादर ने हॉलीवुड के ओल्ड सेट बाय कर वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की थी, उसी वजह से वो अमीर बने। अब वो उसे एलिजाबेथ के बारे में भी बता रही थी। वो कहती है जब मुझे पता चला कि एलिजाबेथ मेरी तरह ही दिखती है तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड थी, इसी वजह से उससे मिली थी। बकी को एलिजाबेथ के और एक फ्रेंड के बारे में पता चला। वो जब उसे ढूंढ लेता है तो वो भाग रही थी। बकी ने उसे पकड़ लिया, उसे पूछा तुम भाग क्यों रही थी। वो कहती कि मैंने और एलिजाबेथ ने एक पॉर्न मूवी शूट की थी। एलिजाबेथ को कोई भी रोल मिल नहीं रहा था। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बहुत सारे पैसों को ऑफर किया। ये फिर इस टेप को डिस्कवर कर इसमें क्लूज ढूंढते हैं। सारे मिलकर ये देख रहे थे, ये ली को पसंद नहीं आया। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसके बॉस ने उसे वार्निंग दी कि इस तरीके से तुम्हारा गुस्सा अब चलेगा नहीं। जिस किलर को बकी ढूंढ रहा था, जिसका नाम है नैश, उसने आज रात एक आदमी को मार डाला। ली ने नैश को इग्नोर किया, इसी वजह से सब हुआ। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। पुलिस स्टेशन में आकर ली को बहुत मारता है। ली को भी बहुत बुरा लगा कि उसे ध्यान देना चाहिए था। रात में फिर बकी मैडलिन के पास आया, उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। उसे कहता है तुम इस केस में एक लिंक हो, तुम्हारे बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर सब कुछ मुझे हमेशा सच सच बताना। मैडलिन ने कहा कि मैं और एलिजाबेथ हम दोनों इंटीमेट हुए थे। बकी पूछता है क्या और कुछ तुम मुझे बताना चाहती हो। मैडलिन हेजिटेट हुई। इस पर बकी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। आज रात केक को सेफ लग नहीं रहा था तो बकी को घर पर बुला लेती है। अभी अभी बॉबी डेविड, जो केक को अब्यूज करता था, वो जेल से बाहर निकला है। बकी ने उसे कहा कि तुम सेफ रहोगी, कोई भी वरी मत करो। वो पूछता है कि ली कहाँ है। केक कुछ भी बताने से डर रही थी। बकी ने उसे मजबूर किया तो केक कहती है कि वो बॉबी डेविड से मिलने के लिए गया है, उसका कॉल आया था, वो जाकर उसे मार डालने वाला था। बकी रियलाइज करता है कि ली की जान खतरे में होगी। बकी जल्दी से वहां पर पहुंच गया। उसने बॉबी डेविड को अरेस्ट करने की कोशिश की। बॉबी डेविड के साथ और भी एक आदमी था। वो बकी को मारता है तभी बॉबी डेविड वहां से भाग रहा था। वो ऊपर गया पर ऊपर ली था। ली ने बॉबी डेविड को ऊपर से नीचे धक्का देकर मार डाला।
बकी ऊपर ली को देखता है, पर ली को कोई और आदमी मारने लग गया था। इस आदमी ने चश्मा पहना हुआ है। ली और चश्मे वाला आदमी ये दोनों सीढ़ियों के एज पर थे, तभी किसी और ने इन दोनों को धक्का दे दिया। दोनों की डेथ हो गई। बकी किसी को भी ढूंढ नहीं पाता, उसे बहुत बुरा लगा। बकी ने अपने आप को काम में लगा दिया था। एक दिन वो कैसे मिलने के लिए गया। ये दोनों डिनर करते हैं। बकी ने कहा, ली ने मेरी जान बचाई थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। के उसे सहारा देने के लिए उसके पास आए तो उसी के साथ वो इंटीमेट हो जाता है। बकी ने सुबह होने पर घर में छुपाए हुए पैसे नोटिस किए। ये पैसे ली के थे। वो इसके बारे में के को कन्फ्रंट करता है। के ने उसे बता दिया कि बॉबी डेविड ने जो भी रॉबरी की थी, इसके सारे पैसे ली ने रख लिए थे। उसने के को बचा लिया। थोड़े दिनों पहले पुलिस को जिस आदमी ने बॉबी डेविड के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसने फिर से ली को कॉल किया। उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि बॉबी डेविड जब जेल से बाहर निकलेगा तो उसे उसके बारे में सब कुछ बता देगा। इसी वजह से ली ने उस आदमी को मार डाला। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि ली ने एक आदमी को मार कर बकी की जान बचाई। ये वही पुलिस का खबरी था। इस सब बातों से बकी बहुत ही गुस्सा हो गया। वो फिर रात में मैडलिन के साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह होने पर मैडलिन के घर में उसने एक चश्मे वाले आदमी को नोटिस किया। ये वही आदमी था जो ली को मार रहा था और नीचे गिरकर जिसकी डेथ हुई। घर में बकी ने जोकर की पेंटिंग नोटिस की। जोकर के फेस पर जिस तरीके से कार्विंग्स होती है, उसी तरीके की कार्विंग्स एलिजाबेथ के फेस पर भी मरने के बाद थी। इस पेंटिंग के बारे में ली ने मैडलिन से पूछा। मैडलिन कहती है, मेरे फादर ने अपने फ्रेंड के लिए बनवाई हुई थी। अब बकी फिर से सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करता है। एलिजाबेथ ने जो पॉर्न फिल्म की थी, ये मैडलिन के फादर का ही सेट था। मैडलिन ने उसे बताया था कि मेरे फादर ने ओल्ड हॉलीवुड के सेट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन किया है। बकी फिर इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसे एक ओल्ड सेट पर पहुंच जाता है, जहां पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये जगह उसे मिल गई और यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। सब मर्डर सीन वो देख लेता है। फिर से वॉल पर उसे जोकर की पेंटिंग दिखी। ये सब कन्फ्रंट करने के लिए डायरेक्टली वो मैडलिन के घर पर पहुंच गया। वो डायरेक्टली गोली चलाकर उन्हें धमकाता है। कहता है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैडलिन के फादर ने कहा कि मेरे फ्रेंड जॉर्जी ने एलिजाबेथ को मारा है। ये वही चश्मा वाला आदमी है। तभी ऊपर से मैडलिन की मदर डिस्टर्ब होकर सब कुछ बताने लग जाती है। वो कहती कि एलिजाबेथ को मैंने मारा था। एक्चुअली मैडलिन ये जॉर्जी की बेटी है। जॉर्जी ने एक दिन एलिजाबेथ को देखा और उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहता था। एलिजाबेथ और मैडलिन ये बहुत ही सेम दिखती है। जब मैडलिन के मदर को पता चला तो उसे बहुत ही अजीब लगा। ये वो होने नहीं दे सकती थी। एक दिन एलिजाबेथ और जॉर्जी इंटीमेट होने के लिए सेट पर गए थे तो मैडलिन की मदर वहां पहुंच गई। उसने एलिजाबेथ को मार दिया। उसके फेस पर कार्विंग भी उसने ही की थी। मैडलिन की मदर को ये सब करने से पछता होता है। वो मर्डर करने के बाद बहुत ही डिस्टर्ब हुई थी तो अपने आप को ही गोली मार लेती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जॉर्जी ने ली को क्यों मारा। इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बकी ने मैडलिन की सिस्टर से बात की। उससे पूछा, क्या तुम ली को जानती थी। सिस्टर कहती है, एक बार वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था। फिर रात में बकी मैडलिन को कन्फ्रंट करने के लिए पहुंच जाता है। उसे पूछता है, क्या ली को सब कुछ पता चल गया था, क्या इसी वजह से जॉर्जी उसे मारना चाहता था। मैडलिन ने कहा कि वो मेरे फादर से बहुत सारे पैसे मांग रहा था, इसलिए उसने जॉर्जी को उस रात पीछा कर उसे मारने के लिए भेजा हुआ था। मैडलिन जॉर्जी को हिट करती थी, इसी वजह से जब ली और जॉर्जी फाइट कर रहे थे तो उन्हें उसने पुश कर दिया। मैडलिन को इस बात से कोई भी बुरा नहीं लगता। वो बकी से कहती है, तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं करोगे, बस तुम अब मेरे साथ इंटीमेट होगे और यहाँ से चले जाओगे। मैडलिन ने ली को मारा, इस वजह से बकी बहुत ही गुस्सा था, उसे मार डालता है। इसके बाद वो के पास वापस आ गया। ये दोनों अब एक साथ है। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मिस्ट्री आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।